नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीदा आप सभी का स्वागत करता हूं गुजराती चेस जोन में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है मार्शल अटैक के बारे में, तो मार्शल अटैक रुई लोपेज अगेंस्ट किया जाता है। तो मार्शल अटैक में डीप में वन बाय वन मूव, हमने पहले रुक E2 के बारे में डिस्कस किया था, आज मैं अलग वेरिएशन बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हर एक वेरिएशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। E4, E5, व्हाइट नाइट F3, नाइट C6, देन बिशप B5, A6, बिशप A4, नाइट F6, व्हाइट कैसल। यहां पे आपको खेलना है, मैंने बताया था, जैसे कि बिशप E7, RE1। अब व्हाइट की नेक्स्ट थ्रेट है बिशप टेक्स नाइट, देन नाइट टेक्स पॉन। यहां पे आपको तुरंत B5 करना है, बिशप B3, देन कैसल। इतने मूव हो गए परफेक्ट आपकी ओपनिंग के, और ब्लैक से ये लाइन सबको एकदम इजीली याद रह जाए ऐसी है दोस्तों। और मार्शल अटैक इतना डिफिकल्ट नहीं है खेलने में, ब्लैक से बहुत ही मजा आता है। C3 मतलब व्हाइट ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब आप D5 कर सकते हो मार्शल अटैक के लिए। तो हमने यहाँ पे D5 किया है, E takes D5, Knight takes D5, देन Knight takes E5। यहाँ पे व्हाइट ने एक पॉन एक्सेप्ट किया है, यहाँ Knight takes E5, देन Rook takes E5। अब आपके नाइट के ऊपर दो दो अटैक है, बिशप और रुक का, तो फोर्स मूव आपको C6 करना है। यहां से दोस्तों एक वेरिएशन है D3 और दूसरा वेरिएशन है तुरंत D4। तो अभी हम देखेंगे D3 के बारे में, ये सबसे स्ट्रांग मूव होता है व्हाइट के लिए। D3 में आपको रिप्लाई देना है बिशप D6। अब ये पोजीशन के बाद रुक E1 और दूसरा एक वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। तो पहले हम देखेंगे रुक E1, D3 और रुक E1। D3 करने का इंटेंस क्या होता है व्हाइट का, उसके बारे में बहुत ही डीप में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए D3 और D4 ये दोनों मूव में गेम चेंज होती है। यहाँ पे D3 व्हाइट ने खेला है तो आपको किस प्रकार खेलना है, अगर व्हाइट ने D4 खेला है तो किस प्रकार अटैक करना है, ये दोनों अटैक अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए D3 में बिशप D6 और D4 में भी बिशप D6 खेलना है, इतना याद रखिए। उसके बाद व्हाइट रुक E1 जाता है, रुक E1 ये मेन मूव है। रुक E1 के बाद मूव नंबर हो गया है 13, यहां आपको खेलना है बिशप F5। व्हाइट मोस्टली रिप्लाई देता है नाइट D2 और यहां आपको रिप्लाई देना है नाइट F5। D3 के ऊपर प्रेशर आपको देना है, नाइट F4 के बाद व्हाइट खेलेगा नाइट E4 और यहां सिंपल Knight takes D3 करना है। अगर उसने Queen takes D3 किया है तो बिशप सेक्रीफाइस और आपको यहां पे क्वीन मिल रही है, तो Queen takes D3 पॉसिबल नहीं है। और Knight D3 के बाद व्हाइट काउंटर अटैक में बिशप G5 करता है, सिंपल आपको यहां पे Queen D7 कर देना है। तो ये पोजीशन से ब्लैक से खेलने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। और भी वेरिएशन बताता हूं आपको, यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग भी है। इस मूव में मैंने बताया था कि RE1 के बजाय व्हाइट अगर रुक E2 खेलता है तो गेम थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। रुक E2 के सामने आपका रिप्लाई होगा Queen H4 डायरेक्ट ऑन H2 अटैक। तो रुक E2 Queen H4, व्हाइट को फोर्स रिप्लाई देना होगा G3। G3 के बाद Queen H5, Knight D2 और बिशप G4। ये काफी हद तक ब्लैक के फेवर में गेम है दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे मेन मूव D4। ये पोजीशन के बाद व्हाइट D4 करता है तो क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के मूव्स
e4, e5, and f3, and c6, bb5, a6, knight f6, bishop e7, b5, castle, then d5, takes takes, knight takes, rook takes c6, then d3 नहीं, यहाँ पे मैं बताऊंगा d4, ये व्हाइट की ओर से बहुत गेम में खेली गई मूव है, इसलिए इसको खास ध्यान से देखिए, बिशप d6, अब यहाँ पे रुक e1, ये गेम भी बहुत खेली गई है, re1 के बाद तुरंत आपको खेलना है क्वीन h4, अब क्वीन h4 के बाद यहाँ पे दोस्तों यहां पे क्वीन h4 के बाद व्हाइट का फोर्स रिप्लाई होगा g3, h3 में मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा, h3 नहीं खेल सकते, h3 में बिशप डायरेक्टली सैक्रिफाइस करके आप गेम अपने हाथ में ले सकते हो, तो g3 यहां पे क्वीन h3। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि क्वीन के पास तीन मूव बेस्ट है, यहां पे क्वीन f3, क्वीन d3, ताकि बिशप यहां क्वीन f1 आके चेकमेट बचा सके, क्योंकि g3 जो होल हो गया है यहाँ पे g2 पे उसे गार्ड करना जरूरी है। यहां तुरंत आपको व्हाइट खेलेगा क्वीन f3, आपको रिप्लाई देना है बिशप g4, क्वीन g2, और यहां पे मैंने पहले बताया था कि क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है, क्वीन h5 चले जाना है, और इस पोजीशन से काफी अटैकिंग लाइन में आप खेल सकते हो। उसके बाद re8 और ये सब बहुत सारे मूव्स आते हैं, ये गेम खेल के आपको ट्राई करना पड़ेगा। दूसरा एक ऑप्शन है क्वीन d3, क्वीन d3 बहुत सारे लोग खेलते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। क्वीन d3 के बाद आपको क्या खेलना है खास ध्यान रखिए, क्वीन d3 में आपको रिप्लाई देना है बिशप f5 आफ्टर क्वीन f1, और यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन h5, और इस पोजीशन से ब्लैक को खेलने में बहुत ही मजा आएगा, अटैकिंग लाइन है। तीसरा जो है दोस्तों, रुक e4 खेल सकता है व्हाइट आपके बिशप को g4 पे आने से स्टॉप करने के लिए, और नेक्स्ट थ्रेट है रुक h4, यहां आपको रिप्लाई देना है। खास ध्यान रखो कि व्हाइट का पॉन अगर d4 खेला हुआ है तो रुक अनसपोर्टेड है, तो यहां आपको क्या रिप्लाई देना है, 2 मिनट आप सोच के बताइए। यहां आपको g5 करके रुक को यहां स्टॉप कर देना है, रुक को आने से स्टॉप करना है, और दूसरी बात आप अगर वो बिशप टेक्स पॉन ले लेता है सैक्रिफाइस, तो आपको एक पीस या सिंपल क्वीन f5 करके पीस मिल जाएगा। तो दोस्तों बिशप टेक्स g5 पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखो, ट्रैप है व्हाइट के लिए। तो यहां पे व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन f1, क्योंकि आपकी क्वीन अटैक में है, तो क्वीन f1 इज ए बेस्ट मूव। क्वीन f1 के सामने आपको रिप्लाई देना है, आपको क्वीन h5 करना है, व्हाइट यहां खेलेगा f3, f3 जरूरी है वरना बिशप g4 आके बहुत ही डेंजर हो जाता है, तो f3 अगर करता है तो यहां सिंपल f5 करके आपको खेलना है, ये भी जबरदस्त अटैकिंग लाइन है। दोस्तों यहां मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि हमने देखा कि d3 और d4 में क्या डिफरेंट होता है, देखिए ध्यान से देखिए d3 और d4 में क्या डिफरेंट होता है। जैसे कि बिशप d6 से पहले अगर यहां पे व्हाइट ने d3 किया है, उसके बाद आप बिशप d6 करते हो, रुक e1 जाता है, क्वीन h4 करते हो, पॉन g3 आता है, क्वीन h3, उसके बाद रुक e4 खेल सकता है व्हाइट, क्योंकि अब ये आपका जो g5 वाला सैक्रिफाइस है वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि आफ्टर बिशप टेक्स g5 क्वीन f4 में कोई वर्किंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये रुक सपोर्टेड हो जाता है d3 से, तो ये डिफरेंट है ये दोनों मूव में, इसलिए ध्यान रखिए। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि व्हाइट ने d3 किया है वो देखते नहीं है, और g5 पॉन डायरेक्टली सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसके बाद ब्लैक गेम लॉस हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आप बिशप सिंपल डिफेंस कर सकता है, और बहुत ही सब गेम मतलब पूरी पोजीशन व्हाइट के हाथ में आ जाती है। चलिए अब देखते हैं मूव ऑर्डर चेंज,
इतने मूव्स होने के बाद डी थ्री नहीं, अभी हम डी फोर पे ही डिस्कस करेंगे। डी फोर बिशप डी सिक्स आर ई वन क्वीन एच फोर जी थ्री क्वीन एच थ्री देन बिशप ई थ्री, एक ये भी मेन लाइन है, बहुत सारे लोग डेवलप करके खेलते हैं। बिशप जी फोर के रिप्लाई में व्हाइट रिप्लाई देता है क्वीन डी थ्री, क्वीन डी थ्री। अब यहां आपको रिप्लाई देना है आर ए ई एट आफ्टर नाइट डी टू। ध्यान रखिए कई लोग बिशप एफ थ्री खेलते हैं लेकिन कोई वर्किंग नहीं करेगा बिशप एफ थ्री में। अगर आपने यहां पे बिशप एफ थ्री किया तो सिंपल व्हाइट का प्लानिंग है क्वीन एफ वन जाने का, इसीलिए क्वीन डी थ्री खेलते हैं। तो यहां पे बिशप एफ थ्री करने की कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट यहां आर ए ई एट और उसके बाद व्हाइट खेलेगा नाइट डी टू और यहां एफ फाइव और ये ब्रिलियंट अटैक होता है आपका। तो ये मार्शल अटैक की तीन लाइंस खास ध्यान रखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। डी थ्री और डी फोर के डिफरेंस आपको समझने होंगे और मूव ऑर्डर खास ध्यान रखिए। 16 मूव तक मैंने सभी वेरिएशन में, उससे भी ज्यादा मूव्स भी बता दिए हैं। तो ये पूरी लाइन आप तैयार करोगे तो ब्लैक से खेलने में बहुत मजा आएगा। अगेंस्ट ई फोर के सामने बहुत ही जबरदस्त लाइन है ये मार्शल अटैक। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नए वेरिएशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।